गौर प्रेमानंदे सूर्य कुंड की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये सूर्य कुंड है। यहाँ पर जो सूर्य देवता को दर्शन करो, कहते सूर्य देवता ने बड़े कठोर उन्होंने साधन भजन किया। बोले किस लिए? बोले भगवान की बाल्य लीलाओं को दर्शन करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, और भगवान ने आशीर्वाद दिया था द्वापर युग में मैं यहीं पर आकर लीला करूँगा और तुम यहीं पर आकर के रहेंगे। इसे सूर्य देवता बड़े दिनों से यहीं पर इंतजार कर रहे थे कब कृष्ण आ करके उन्होंने मधुर मधुर लीला कब ये करेंगे। इसलिए सूर्य देवता यहाँ रहा करते थे। इसलिए सूर्य देवता का कौन सा दिन है? बोले संडे है सूर्य देवता। संडे, संडे मतलब क्या? संडे सूर्य का दिन है, रविवार है, है? रविवार है। विशेष करके राधा रानी जाया करती थी नंदगांव कृष्ण की रोसी बनाने के लिए। वहाँ पर कृष्ण के लिए तरह तरह का अन्न व्यंजन राधा रानी बनाया करती थी। यदि आप सुन बनाया करती थी राधा रानी अन्न व्यंजन बना करके कृष्ण वहाँ पर भोजन करते थे। जब भोजन करते थे तब राधा रानी अपने के झरखों से ऐसे देखती थी, क्योंकि जैसे राधा रानी बहुत कष्ट करके रसोई बनाती थी और राधा रानी अपना हाथों में एक विशेष लड्डू बनाती थी जिसका नाम मोहन लड्डू है, हैं? कहते वो लड्डू इतने बढ़िया लड्डू, कृष्ण भोजन को बाद में कृष्ण वो लड्डू खाते थे जिसका नाम मनोहर लड्डू कहते हैं। कितना बगल बजाए यार हरि बोल दे, इसलिए मधुमंगल को लड्डू खा करके बगल मतलब क्या ऐसे हाथ को बजाते भाई क्या बढ़िया बनाया इसलिए ऐसे बगल मतलब ऐसे क्या सुंदर बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, खुश हो जाते थे वो लड्डू को खा करके। इसलिए अभी राधा रानी एक झरखों से दर्शन करती थी, मैंने जो इतने कष्ट करके बनाए कृष्ण खा कर कितने खुश होते थे। देखना अगर आप कोई बढ़िया चीज़ खा रहे थे ना, बहुत बढ़िया चीज़ खाते हो, अब जो खाते हैं ना मुंह में मुंह का चेहरा ही बदल जाता है। अगर कोई बढ़िया चीज़ अगर कोई चीज़ अगर सही चीज़ नहीं, कोई कड़ू चीज़ क्या बनाए, हाँ मुँह तुम्हारी बेकार मुँह का टेढ़ा हो जाता है। क्या बेकार तुमने बनाया, बढ़िया चीज़ क्या तुमने बढ़िया, लगता है तुम्हारे हाथ में अमृत है, अंगुल चाट चाट कर खाते हैं, तो क्या बनाया, लगता है तुम्हारे हाथ में कोई अमृत है तुम्हारी हाथ में, हैं? इसलिए अभी वहाँ पर जब कृष्ण भोजन करते थे, कृष्ण को भोजन के बाद में राधा रानी भोजन करती थी, भोजन करने के बाद जब वहाँ से श्री कृष्णचंद्र आते थे गोचारण करने के लिए, जब कृष्ण गोचारण करने के लिए आते थे उसी समय में राधा रानी दर्शन करती थी कृष्ण कैसे चले जाते हैं, और राधा रानी को कृष्ण दर्शन करते हुए जैसे आपका हृदय आप जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा किसको आप प्रेम करते हो, जब कोई प्रेमी की भक्ति चली जाते हैं आप देखना आप उसको देख करके बड़े दुखी हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कृष्ण का राधा रानी का हृदय तो कृष्ण है कृष्ण है। जब कृष्ण चले जाते थे राधा रानी, हाँ कृष्ण को दर्शन करते करते एकदम दुखी हो जाती थी, श्याम सुंदर से अलग हो रहा है, श्याम सुंदर से अलग हो रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर कृष्ण इशारा करते थे, बोले राधे कोई चिंता मत करो, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन थोड़ी देरी बाद में गोचारण करने जाता हूँ, फिर इसी सूर्य कुंड में आऊँगा, वहीं पर तुम्हारे साथ में दोबारा यहीं पर तुम्हारे साथ में मुलाकात होगी। इसलिए वहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, कहते गोविंद लीलामृत ग्रंथ में बड़ी सुंदर उन्होंने वर्णना करते हैं, उदाहरण देते हैं राधा रानी का मन कैसे है जैसे कि मछली है, बोले कृष्ण का प्रेम कैसे है जैसे कि जाल, जैसे हम किसी तालाब में मछली हो हम क्या कर जाल फेंक करके मछली को पकड़ लेते हैं, इसलिए कृष्ण क्या करते थे राधा रानी रूपी मन रूपी मछली को कृष्ण अपना प्रेम रूपी जालों में फंसा करके उन्होंने कृष्ण लेकर के चले जाते हैं। मान राधा रानी का शरीर ही रह जाता है और उनका मन प्राण चित्त तो गोविंद कृष्ण लेकर चले जाते हैं। जब कृष्ण सखाओं के साथ में यहीं पर आते हैं, इतने में राधा रानी अभी गोचारण करने के लिए आए, बोले कहाँ पर आते हैं, बोले ये कुसुमा सरोवर पर आते हैं। जब कुसुमा सरोवर पर उन्होंने आए, इतने में राधा रानी अपना हाथों से
एक सुंदर माला बना करके भेजती हैं राधा रानी के हाथों से, और बड़े सुंदर पान की बिड़िया और दो चंपक पुष्प, देखो चंपा पुष्प, चंपक पुष्प, और राधा रानी का रंग जैसे है ना, उसका रंग ठीक वैसे ही, चंपक पुष्प का रंग ठीक वैसे ही है, इसलिए वो उसका कलर राधा रानी का जैसे कलर है। जब वृंदा देवी क्या करती हैं, वो राधा रानी के हाथ की बनाया हुआ माला कृष्ण को पहना देती हैं, और राधा रानी के हाथ में बनाया हुआ जो पान का जो बिड़िया है, वो बिड़िया जब कृष्ण खाते हैं, फिर वो जो चंपक जो फूल, दो फूल उन्होंने कान में कुंडल के लिए, बड़ा सुंदर फूल है, कान की कुंडल के लिए उन्होंने दो फूल, ये चंपक फूल देखते ही वो ठीक राधा रानी का रंग जैसे ना, वो फूल का रंग वैसे, वो फूल में इतने सुगंधी, अगर यहाँ पर एक फूल रख दो पूरा चारों तरफ में पता चल जाएगा वो चंपक पुष्प कहीं पर है, चंपा पुष्प बड़ा सुंदर सुगंधी। और वो चंपक पुष्प को देख करके राधा रानी के हाथ की पान की बिड़िया, राधा रानी के हाथ द्वारा बनाया हुआ माला पहन करके ना कृष्ण उन्माद हो जाता है राधा रानी से मिलने के लिए। राधा रानी रंग है ना, और राधा रानी से मिलने के लिए कृष्ण एकदम उन्माद हो जाते हैं। जब उन्माद हो जाते हैं कृष्ण क्या करते हैं सखियों को, अपना सखाओं को देखो कहीं मेरा निमंत्रण है, अभी मैं निमंत्रण में जा रहा हूँ, और किसको लेकर के आते हैं, दो तीन सखाओं को, श्रीदाम को, मधुमंगल को, कुछ प्रिय नर्म सखा, जो प्रिय नर्म सखाएं हैं इनके अंदर में कुछ श्रृंगार रस है, राधा रानी के साथ में कुछ मधुर रस है, इसलिए उन्होंने उनको ही लेकर के यहीं पर कृष्णा यहीं पर आ जाते हैं, और यहीं पर आ करके कृष्णा क्या करते हैं, यहीं पर आ करके कृष्णा अपना बेस को कृष्णा बदला देते हैं, और यहीं पर आकर कृष्णा ये जो यहाँ पर एक सुंदर बगीचा थी, जिस बगीचा का नाम है कंदर्प कुहेली बाटिका, क्या नाम है, कंदर्प कुहेली बाटिका, कंदर्प मतलब होता है प्रेम, कुहेली मतलब होता है लीला, वो बाटिका का नाम, बगीचा का नाम है जहाँ पर कृष्णा ब्रज राधा रानी गोपियों के साथ में बड़े सुंदर, जहाँ पर उन्होंने ये लीला आदि करते हैं, ये बाटिका है जिसके साथ मधुर मधुर कृष्ण लीला करते हैं, और इसी कुंड में राधा रानी स्नान करती थी। अब उधर गए थे ना, उस तरफ में गए थे कि नहीं, वो शिला दर्शन किया कि नहीं, राधा रानी अपना मुकुट को उतार करके उस शिला के ऊपर रख करके ना स्नान करती थी, स्नान करते समय उस शिला के ऊपर में जो राधा रानी का जो मुकुट का चिन्ह उसके ऊपर देखा कि नहीं, देखा कि नहीं, चिन्ह राधा रानी के मुकुट का चिन्ह है। जब यहीं पर श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो गुरु जब यही भजन करते थे, भजन करते समय तब उनको स्वप्न हुआ, जब उन्होंने ये कुंड में स्नान किया, डुबकी लगाई ना, वो जो पत्थर देखा, वो पत्थर स्वाभाविक रूप में इनके हाथ में आया, और राधा रानी बोले देखो बाबा ये इसमें जो एक चिन्ह देखना, मैंने इसके ऊपर अपना मुकुट को रख करके स्नान करती थी, इसलिए उसके ऊपर में ये चिन्ह आ गया, इसलिए उस शिला का नाम है मुकुट शिला, क्या नाम है, मुकुट शिला है। अभी वो चिन्ह देखा कि नहीं, कौन कौन देखा, देखा हुआ है, देखा है ना, वो मुकुट का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर राधा रानी सुंदर सुंदर लीला करती थी। एक समय क्या हुआ, यहीं पर राधा रानी, एक तरफ में राधा रानी ललिता विशाखा सखिया, और दूसरे तरफ में कृष्ण और मधुमंगल और उनका जो प्रिय नर्म सखा है, और बैठ करके यहीं पर पासा खेलते थे, पासा खेल रहे थे, पासा खेलते खेलते उसमें का हार जीत होता है, इसलिए राधा रानी अपना जो गजमती हार, बोले अगर मैं हार जाऊंगी ये गजमती हार कृष्ण ले जाएंगे, कृष्ण बोले अगर मैं हार जाऊंगा मेरे बंसुरी, मेरी बंसुरी पण में, और बंसुरी तरह तरह का, एक सोने की बंसुरी, एक मणि की भी बंसुरी है, एक बांस का भी बंसुरी है, उनने पण में रख दिया अपना बंसुरी, अगर मैं हार जाऊंगा तो बंसुरी, क्योंकि कृष्ण जो कुछ काम करते हैं बंसुरी से, गैया को बुलाना हो बंसुरी से, गोपियों को बुलाना हो बंसुरी से, हैं मेघ को बुलाना हो बंसुरी से, ये बंसुरी ही कृष्ण का जो अस्त्र है ना, अब वृंदावन में अस्त्र किया है, ये बंसुरी अस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र उनका ये बंसुरी, क्योंकि त्रिभुवन मानसा कर श्री मुरली कलकुजित, जिस बंसी को धरा कृष्ण संपूर्ण त्रिभुवन को मोहित करके रखते थे, ये बंसी ध्वनि को धरा, सबसे बड़ा अस्त्र ये बंसुरी है, इसलिए बंसुरी रख दिए। अभी पासा खेले, जब राधा रानी पासा खेलती है ना, वो पासा का रंग है कृष्ण का रंग जैसे,
कृष्ण काले है ना, राधा रानी को काला रंग ही प्यारा है, इसलिए राधा रानी का जो नील वसना गौरी रूपे गुण धन्य। राधा रानी कौन सा वस्त्र पहनती है? नीला। क्यों? कृष्ण को प्रेम करती है, इसलिए कृष्ण कौन सा वस्त्र पहनते हैं? पीला। क्यों? राधा रानी का रंग पीला रंग है, इसलिए राधा रानी का जो पासा का जो काठी का रंग कैसे है? पीला रंग है। अभी इतने में जब राधा रानी ने जब उन्हें पासा काठी को फेंके, पासा काठी को फेंकते ही राधा रानी जीत गई। जीत गई तो राधा रानी इतने में कृष्ण का बंसुरी गया, कृष्ण का बंसुरी गया, इतने में गोपियों ने जोर जबरदस्त बंसुरी को ले लिया। ले करके राधा रानी ने क्या किया, बंसुरी को ना जो चोटी है राधा रानी की चोटी, वो तो राधा रानी का चोटी कैसे वर्णना करते हैं, वो सार से लेकर प्यार तक इतने बड़ी मोटी एक साथ में तीन चार ही पेड़ी बनाती उसमें है, इसलिए उन्होंने बंसुरी को लेकर ना उसको अंदर में चोटी को अंदर में बंसुरी को उसको छुपा दिया। इतने में कृष्ण जब पासा घाटी फेंगे ना, इतने में कृष्ण तो जीत गए, लेकिन गोपियां ज्यादा कृष्ण सखा दो तीन सखा, इतने में गोपियों ने हाई होला मचा दिया। हाई होला मचा कर इधर उधर कृष्ण का मन को उन्होंने क्या किया, डाइवोर्स कर दिया करके, इतने जो पासा काटी जो कृष्ण फेंका था जीता था वो कासा बाटी को पलटा दिया। लेकिन यही पर आश्चर्य की बात है, जहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन ये भक्तों का प्रेम में कैसे कृष्ण बसीभूत है, ये चीज को दिखा रहे हैं, कैसे बसीभूत है। जहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक थोड़ी इधर उधर बात करके ना उनको मन को डाइवोर्स करके उन्होंने कासा बाटी को बोले कौन जीत गया, राधा रानी। इतने में क्या किया, अभी राधा रानी को उन्होंने हारनी चाहिए, लेकिन इतने में बोले नहीं हम हारे नहीं हम जीते। इतने में कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी का जो गले में जो गजमुती हार था ना, उन्होंने हार को उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ लग रही हाथम क्या होना गया, इसको क्या बोलते हैं, हाथाबाई होना शुरू हो गया। लेकिन जब हाथाबाई हो रही थी, इतने में क्या हो गया, वो बोल रहे थे हमारी बंसुरी दो, वो कह रहे थे हमारी गजमती हार को दो, हाथाबाई हो रही थी। इतने में एक तोता है, राधा रानी का विशेषकर तीन तोता, कहीं कहीं चार तोता नाम आता है, एक तोता है मंजूभाषी जो बड़ी मीठी मीठी बोलती है, एक तोता है विचक्षण जो बड़ा चतुर है, एक तोता है सुभा जो मंगलमय तोता है, ऐसे तीन चार तोता का नाम आए। एक जो राधा रानी की जो तोता है ना, इसलिए भागवत में देखो श्री सुक उवाच, श्री मतलब श्री राधा रानी, सुक मतलब प्रिय, बीच में एक पद लोप है श्री प्रिया सुक, ये सुक कौन है, श्री राधा रानी की ये प्रिय तोता है, ये आकाश में ना घूमता रहता है, आकाश में सारे खबर देती रहती है। इतने में जटिला कुटिला, हाँ जटिला कुटिला राधा रानी आई कहाँ से, नंदगांव से, कहाँ पर आई, जावट में, जावट में वहां पर जटिला कुटिला को धोखे दे करके बोले आज संडे है, संडे यहाँ पर सूर्य देवता है, देखा ना कि संडे, इसे सूर्य देवता सोमवार का दिन, विशेष करके यहाँ पर सोमवार का दिन बहुत लोग होते थे सूर्य पूजा करने के लिए, उन्होंने सूर्य पूजा की सारे सामग्री को लेकर के राधा रानी क्या बहाना बनाती है, देखो हम जा रहे हैं सूर्य देवता को पूजा करने के लिए, बोले क्यों, बोले सूर्य देवता का आशीर्वाद होगी ना तुम्हारे घर में, खूब अन्न वस्त्र बढ़ेगी, खूब गोधन ही इनका मूल धन है, गैया धनी मूल धन, खूब गोधन बढ़ेगी। पहले जैसे नंद बाबा का घर में 9 लाख, वृषभानु महाराज घर कितना गैया था, 11 लाख। पहले जिसको घर में जितने गैया होता था वो उतना बड़ा आदमी होता था, उतना बड़ा आदमी होता था, जितने जिसको पास में गो धन होता था, इसलिए बड़ा, इसलिए वो कहते थे देखो अगर सूर्य देवता का आशीर्वाद होगा ना घर में खूब गया बढ़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ सूर्य देवता को पूजा करने के लिए। राधा रानी बहाना बनाकर यहाँ पर आई, लेकिन और तो यहाँ पर तो बहाना बनाई सूर्य पूजा, लेकिन राधा कृष्ण को साथ में लीला करने के लिए आई, कंदर्व कुहेली बाटी का दाह पर उन्होंने मधुर लीला करते थे। इतने में जटिला कुटिला देखा, भैया गए तभी से, अभी तक आ जानी चाहिए, कर रहे हैं क्या उनको, मैं जटिला कुटिला है ना सांस नणन, आपको पता कितना सांस नणन तो कितना तेज पता है कि नहीं, तेज है ना, इसलिए सात नणन, इसलिए उनका नाम है जटिला, जटिला मतलब जट पकाना, कुटिला मतलब कुटकुट करना, कुटकुट करना, क्या हुआ कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्या हो रहा था, इतना लेट क्यों हो गई, इसलिए क्योंकि उनके लीला को पुष्टि करने के लिए जटिला कुटिला, क्योंकि
अगर प्रेम में बाधा रहेगा ना तब अंदर में भावना बढ़ती है। जो चीज साधारण रूप में मिल जाए उसका कोई महत्व हम नहीं, इसलिए योग माया ने जानबूझकर किया है। आप देखना कोई चीज करने के लिए चाहते हो अगर कोई मना कर दे ना मन ज्यादा चले जाता है, मेरे को मना किया हम करके दिखाए, हम तो वृंदावन जाने के लिए मना कर ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, परिक्रमा करने के लिए जाएंगे, इसलिए मन में ज्यादा आकर्षण आता है। इसलिए जटिल कुत्ता देखा तब से गए अभी तक क्या बात है, ऐसे नहीं हो लीला की सूर्य पूजा की बहाना से कृष्ण के साथ में लीला तो नहीं कर रहे, जटिला कुटिला आ रहे हैं। और राधा रानी का जो तोता है वो आकाश में देखता रहता है, वो सारे मैसेज देता है, उसने देखा जटिला कुटिला बड़े क्रोध से आ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं क्या, बहुएं सखियां क्या कर रही है। इतने में वो तोता आकर बोल दिया जटिला जटिला कुटिला कुटिला सावधान हो जाओ, तुम्हारी सांस नंद आ रही है। इतना सुनते ही वो यहीं पर खेल रहे थे पासा, इतने में सारे चीज को फेंक फांक करके कृष्ण तो डर मारे जाकर कहाँ चली गई, जंगल में छिप गए अपना मधुमंगल सखा को लेकर के। और जो सखियां थी ना सारे पासा को उसने छुपा दिए, और इसी मंदिर जो सूर्य पूजा है ना ये मंदिर में जाकर चुपचाप जाकर सूर्यदेव की पूजा करने लगी मानो कुछ नहीं जानती है, हैं जाकर पूजा करने लग गई। इतने में जटिला कुटिला बोले क्या हो रही थी, तब से तुम लोग आए हो सूर्य पूजा करने के लिए, अभी तक तुम्हारी कोई पूजा हुई नहीं। लेकिन राधा रानी ललिता तो बड़ा तेज है, अब छोड़ो ललिता बड़ी तेज है, ललिता कहती है तेरी वजह से तो थारी गड़बड़ी, बोले मेरी वजह से क्या, बोले हम किसी ब्राह्मण को बुलाना चाहते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन जब उनको पता चलता है किसकी बहू जटिला कुटिला की बहू ना, तेरे दोनों का नाम ब्रज में इतने बदनाम है, तुम्हारे नाम सुन करके तेरे बहू को पूजा करने का कोई नहीं आते। बोले जटिला कुटिला की बहू हम नहीं आएंगे, इतने बदनाम है तुम्हारी। इतने में जटिला कुटिला पर बदनामी हो गया, बोले देखो किसको थोड़ा ज्यादा हाँ डोनेशन का उनको थोड़ी सी लोभ दिखा करके ना दक्षिणा की, बोले ज्यादा दक्षिणा देख ले आओ। इतने में कृष्ण और मधुमंगल कहाँ पर चले गए, जंगल में गए, और सारे ड्रेस फेर को फेंका करके बड़े बड़े टोपी लगा करके और वेद मंत्र पर कृष्ण अपना रूप बदला दिया। मधुमंगल भी उन्होंने भी ब्राह्मण दोनों बन गए, कृष्ण और भगवान है ना वो सब कर सकते, पूरा रूप को बदल कर दोनों ब्राह्मण बन गए। और उन्होंने किसी ललिता गई बोले चलो चलो पूजा करके आ जाना, पूजा करवा के लिए बुला रहे जटिला कुटिला, और कृष्ण और मधुमंगल आ गए और उन्होंने यहीं पर बैठा करके उन्होंने पूजा करी। लेकिन नियम है पूजा कराते समय नियम क्या है, नियम है हैं संकल्प करना, संकल्प करना नियम है। इतने में कृष्ण कहते देखो भैया मैं अखंड ब्रह्मचारी, मैं स्त्री का मुंह नहीं देखता मैं स्त्री का मुंह नहीं देखता हूँ अखंड ब्रह्मचारी, मैंने गर्गाचार्य के चेला हूँ, मैं किसी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करता हूँ और किसी स्त्री के मुख में नहीं देखता हूँ। लेकिन संकल्प करने समय उसको शरीर में हाथ लगा करके संकल्प करना पड़ता। कृष्ण बोले भैया तुम्हारी बहू की स्पर्श नहीं करूंगा, एक हमें तीर्ण ले आओ, तीर्ण हम घास ले आओ। और कृष्ण दूर से घास को जरा बहू को पकड़ करके उन्हें संकल्प करते बोले सूर्य कहते उन्होंने बोले मित्राय स्वाहा, सूर्य का एक नाम मित्र, सूर्य का एक नाम मित्र, लेकिन मित्र मतलब क्या बंधु दोस्त। इतने में कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा रानी का असली मित्र कौन है, कृष्ण। इसका मतलब सूर्य को कृष्ण पूजा नहीं करा रहे, राधा रानी को द्वारा उन्होंने कृष्ण को पूजा करा रहे, कहते मित्राय स्वाहा मतलब वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण को पूजा कर रही है कृष्ण को। इतने में बहुत वेद मंत्र पढ़ करके उन्होंने पूजा जब करा, बोले भैया ये ब्राह्मण तो बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण बड़े सारे मंत्र को जानते हैं, बोले देखो देखो हर चाहती ना हर सास चाहती है मेरी बहू की बच्चा हो, परिवार में सुख शांति हो, हर चाहती है ना सास ससुर चाहती है, बोले थोड़ी सी मेरा बहू को थोड़ा हाथ देख लोगे, थोड़ा हाथ देखना जानते हो, बोले मैं गर्गाचार्य का चेला हूँ सब भविष्य में जानता हूँ हाथ देखा। इतने बोले मेरे बहू का थोड़ा हाथ देख लो। इतने में राधा रानी जब उन्होंने हाथ निकाली ना, राधा रानी का हाथ इतने सुंदर क्यों, राधा रानी सर्वलक्ष्मी मई, राधा रानी सर्वलक्ष्मी मई सर्व कांति सन्मोहिनी परा, सबसे सुंदर श्री राधा रानी अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजा चिते हिमाद्रिजा पुलमजा विरिचिजा जगत प्रजे। इसलिए राधा रानी इतने सुंदरी, केवल कृष्ण जब राधा रानी का हाथ को दर्शन की
कृष्ण तो कांपने लग गए, इसलिए कहते ना बंसी करान पतित कलितम शिखंड, राधा रानी अगर एक कटाक्ष से देख लेना श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर का बंसुरी गिर जाती है, श्याम सुंदर का मयूर मुकुट गिर जाती है, कृष्ण का कपड़ा कब खिसक जाते, कृष्ण खुद गिर जाते। अभी राधा रानी का हाथ को देख करके बोले, तुम्हारी जो बहू है ना साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, तुम्हारी बहू जिस घर में रहेगी दो दिन दो गुना रात चौगुना वहां पर लक्ष्मी बैठते रहेगी, और इसका जो पति है ना, ये पति ये अखंड सौभाग्यवती, इसका पति के ऊपर कभी अमंगल नहीं आएगा, उसी घर में धन धान्य बैठते रहेगी, धन धान्य उसके घर में बैठते रहेगी, जिस घर में लड़की की शादी होकर जाएगी। देखो तेरे बेटे के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्ति आने वाले है, लेकिन तेरी जो बहू है ना लक्ष्मी स्वरूपिणी तुम्हारी बहू, इसलिए तुम्हारी बहू की वजह से तेरे बेटे के ऊपर कोई दुख कष्ट नहीं आता, सब टल जाती है, और तुम्हारी बहू जहाँ रहेगी खूब गोधन बढ़ेगी। अगर किसको बारे में चाह करके खूब बढ़िया बढ़िया बात बोल दो ना, सब खुश हो जाते, भले ही उल्टा पुलटा हो, लेकिन अगर अच्छी अच्छी कई बात बता दो, घटिया बात नहीं, अच्छी अच्छी, खुश हो जाते ना, जटला बुटला तो खुश हो गई, बोले तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए हम चाहते तुमको दक्षिणा, नियम है पूजा करने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते देखो मेरे गर्गाचार्य का शिष्य हो, हमारी कोई लोभ नहीं, हम किसी लोभ भाषा से पूजा नहीं कराए, हमको कुछ भी जरूरत नहीं, केवल तुम्हारे प्यार प्रेम ही जरूरत। बोले बाबा ये तो बहुत बड़ा ज्योतिष, इसको अंदर कोई लोभ नहीं, ब्राह्मण होकर के ऐसे हो सकता लोभ नहीं होगा? आप ब्राह्मण को देखना जितने दो, आप जितने करोड़ रुपया दे दो ना, बोले और दो, उनका मन कभी नहीं भरता, लेकिन इतना निष्काम ब्राह्मण जो एक पैसा भी नहीं चाह रहे हैं, बड़े खुश हो गए। बोले देखो हम चाह, लेकिन मधुमंगल साथ में ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण तो मधुमंगल। बोले देखो नियम है, क्या नियम है, अगर पूजा करा के दक्षिणा नहीं दिया ना, पूजा का फल नहीं मिलेगा, जरूर कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। इतने में उन्होंने कहते भैया क्या दक्षिणा, तब उन्होंने राधा रानी के हाथ में एक मुद्रिका थी सोने की, सोने की मुद्रिका निकाल करके दिए, और दे करके लड्डू, वो तो ब्राह्मण मीठा खाने में बड़े चतुर है, तब उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर लाए थे, क्या मिठाई लाए थे, रसगुल्ला लड्डू लाए थे, बड़े उन्होंने उनको लड्डू दिया, और मंत्रमुगल पाकर खुश हो गए। नियम है, क्या नियम है, अभी लास्ट में प्रणाम करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए ना ब्राह्मण को, बोले प्रणाम करो ब्राह्मण देवता को, लेकिन उनको चोटी में क्या रखा हुआ, बंसुरी, कृष्ण की बंसुरी। हे राधा रानी जब प्रणाम करने के लिए गई ना, वो जो चोटी में बंसुरी निकल गई, जटलक ले ये क्या है, ये तो कृष्ण का बंसुरी है, बंसुरी कहाँ से आ गई, बंसुरी तुमको कहाँ से मिली बंसुरी, है इतने में तो जटलक उधर राधा रानी डर गई, ललिता अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, तो बंसुरी निकल गई। इतने में वो तो बात बनाने में भगवान राधा रानी है ना, ललिता है सर, कृष्ण को भी घुमाने वाले, हाँ बुद्धि को चकरा देने। बोले हम रास्ता में चल रहे थे और देखा ये बंसुरी मेन रोड में पड़ा हुआ, और ये बंसुरी जितने गड़बड़ी करता है, हमारी मन प्राण चित्तों को चुराने वाले कौन है, ये बंसुरी, इसलिए हमने देखा रास्ता में पड़ा हुआ था, सोचा ये बंसुरी को लेकर के जाकर यमुना में बहा देंगे, बांस न रहेगा बांस न बजेगी, इसलिए कहते ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी इसको, इसलिए हम ले आए थे फंसाने के लिए। अच्छा हुआ ये मथुरा से आए ना, ये ब्राह्मण मथुरा से, बंसुरी इनको दे दो, बंसुरी इनको दे दो और लेकर के चली जाए मथुरा। लेकिन वो कृष्ण तो कृष्ण थी ना, कृष्ण तो डर गए, अभी क्या होगा मेरी बंसुरी, अगर मेरी बंसुरी चली गई तो सब कुछ खत्म। इतने में वो बंसुरी को क्या किया, कृष्ण को दे दिया, कृष्ण ने सोचा भैया मेरा प्राण आ गया है, मेरे प्राण आ गया, अरे कृष्ण और मधुमंगल बंसुरी लड्डू लेकर के यहाँ से चले गए, फिर राधा रानी, फिर राधा रानी को लेकर के जटला गुटला यहाँ से फिर जावट में चली जाती। इसलिए यहीं पर उन्होंने ये सार लीला यहीं पर हुई, इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और उनका गुरु जी सो मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, आप लोगों ने देखा ना जो शिला को देखा, मुकुट शिला जिसको ऊपर राधा रानी जिस शिला को ऊपर मुकुट रख करके स्नान करती थी, इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब स्नान, मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जब पानी में डुबकी लगाई, शिला अपने आप उनके हाथ में आई, राधा रानी स्वप्न दिया ये मेरी मुकुट का चिन्ह है, मैं इसको पर मुकुट रख करके स्नान करती थी, इसलिए ये मुकुट में मेरा
मुकुट शिला, उसका नाम मुकुट शिला है, इसलिए वहाँ पर आप लोग दर्शन किए होंगे। यहाँ पर बहुत बहुत सारे लीला यहाँ पर हुआ करता था, इसलिए कि अत्यंत पवित्र स्थान, हम यहाँ पर आए प्रणाम करो धूल लो और यहाँ से अपना घर में चलो। बादशाह का लुत्फ प्रसाद बांट दो, प्रसाद बांट दो।